आप देख रहे हैं सरोज दर्पण न्यूज। हम आपको दिखाते हैं बेतिया बिहार से। बेतिया बिहार जीता राम मांझी ने ब्राह्मण को अपशब्द भाषा बोल, जिसके खिलाफ बेतिया में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा जीता राम मांझी के पुतला दहन किया गया। और आगे क्या कुछ हम आपको दिखाते हैं। मांझी पर अगर नीतीश सरकार और एनडीए की सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो हम लोग एक बड़ा रूप में आंदोलन करेंगे, और इसी तरीके का आंदोलन इन लोगों का कहना है कि जारी रहेगा। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि मोहन तिवारी किधर हैं और उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं मांझी का पुतला दहन किया गया है। हम बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा ब्राह्मण जाति के संबंध में जो अपशब्द बोला गया है उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में पूरे बिहार में ब्राह्मण जाति के लोग उनका पुतला दहन किए हैं और उनके प्रति मैंने क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं कि उतने बड़े नेता होकर के किसी जाति विशेष पर अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है तो यह खेद की बात है। मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि उनके प्रति विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाया जाए। अगर नहीं होता है आप लोगों की मांग पूरी तो आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा जब तक वो निर्णय नहीं होगा आंदोलन जारी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? मांझी ने बहुत ही निंदनीय काम किया जीता राम मांझी, सरकार से माफी मांगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा जो है उसको एनडीए गठबंधन से अलग कर। अभी तक एनडीए सरकार जो है इस पर खामोश है, एकदम खामोश है। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसी भी पार्टी का होगा, भाजपा हो जाती हम सबका विरोध करेंगे। क्या अगर इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है तो इस तरीके का धरना प्रदर्शन आप लोग का चालू? इससे बढ़कर होगा, हम लोग जन आंदोलन करेंगे, सड़क को जाम करेंगे, यहाँ से हम सदन तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तमाम कांग्रेस के नेता लोग हैं और पूर्व में रहे विधायक मदन मोहन तिवारी भी हैं। तमाम लोगों का कहना है कि अगर एनडीए की सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे और सड़क से लेकर के सदन तक इन लोगों का कहना है कि हम लोग जाएंगे और उसका निंदा करेंगे। और अभी तक इस पर एनडीए की सरकार जो है कोई जवाब नहीं दे रही है, कोई सवाल नहीं आया है उसका, कोई टिप्पणी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के साथ